जरा सोच कर देखिए कि एक सुबह आपकी नींद खुले और आप देखें कि आपके घर के आंगन की जगह एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। एक सुबह आप अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हो, लेकिन आगे आपको सड़क की जगह सैकड़ों फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा दिखाई दे। सुनने में आपको भले ही ये एक फिल्मी बात लग रही है, लेकिन इंसानों ने प्रकृति के साथ इतना अधिक खिलवाड़ कर दिया है कि दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब देखते देखते एक बड़ा सा घर, एक चौड़ा सा सड़क और कई बार पूरा का पूरा शहर ही धरती में बने एक गड्ढे में समा जाता है। एक ऐसा शहर जहां पर लाखों लोग रहते हैं, लेकिन जमीन में बने एक गड्ढे यानी सिंक होल की वजह से उन सभी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सिंक होल की पूरी कहानी को बताएंगे कि ये कब और कैसे बनता है और अब तक दुनिया के कितने शहर सिंक होल की वजह से धरती के अंदर समाते जा रहे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहली बात आती है, सिंक होल होता क्या है और ये बनता कैसे है। दोस्तों आपको बता दें, सिंक होल प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक ऐसा गड्ढा होता है जो अचानक से बन जाता है, जिसमें जमीन के ऊपर मौजूद सड़क, घर, मकान या कोई भी चीज अंदर समा जाती है। सिंक होल ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा बनते हैं जहाँ के जमीन के नीचे लाइमस्टोन, कार्बोनेट चट्टान या फिर सॉल्ट बेड जैसी चट्टानें मौजूद होती हैं। दरअसल इस तरह की चट्टानें भूमिगत पानी के संपर्क में आकर बहुत जल्दी घुल जाती हैं, जिस वजह से कभी कभी जमीन के अंदर मौजूद इस तरह की चट्टानें पूरी तरह से घुल जाती है और जमीन अंदर से खोखली हो जाती है। और जैसे ही कभी जमीन के ऊपर दबाव पड़ता है, वो वहां मौजूद सब कुछ जमीन के अंदर समा लेती है। खतरनाक बात तो यह है कि इसके ऊपर की जमीन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सही सलामत रहती है और नीचे खाली जगह फैलती जाती है। जब ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो ऊपर की जमीन को संभाल नहीं पाती और जमीन ढह जाती है। इसी वजह से सिंक होल कभी भी कहीं भी बन जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंक होल कुछ फीट से लेकर कई एकड़ तक फैले हो सकते हैं। ये एक से लेकर 100 फीट से ज्यादा तक गहरे हो सकते हैं। कुछ काफी बड़े लेकिन छिछले होते हैं और कुछ काफी छोटे लेकिन गहरे होते हैं। और कई सिंक होल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है। सिंक होल बनने की दूसरी वजह है इंसानों का शहरीकरण के पीछे भागना। दरअसल शहरीकरण के साथ साथ जमीन के अजीबोगरीब इस्तेमाल की वजह से भी दुनिया भर में कई सिंक होल बनने लगे हैं। अब शहर भर के लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए जमीन के अंदर से पानी को निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में जब जमीन के अंदर से पानी निकाली जाती है तो जमीन के अंदर का भाग खोखला होता जाता है और कई बार पानी के प्राकृतिक रास्तों को बदलने से भी ये बनने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब किसी जगह पर नई बिल्डिंग या फिर मकान बनने की वजह से वहां के जमीन पर भार जरूरत से ज्यादा पड़ जाता है और इन्हीं वजहों के कारण जमीन धरती के अंदर धस जाती है और सिंक होल का रूप ले लेती है। अब तक ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब जमीन के अंदर इंसानों के द्वारा लगाए गए पाइपलाइन या फिर सीवर में विस्फोट होने की वजह से सिंक होल बन जाते हैं। लेकिन इस तरह के बने हुए सिंक होल भी कम खतरनाक नहीं होते। अब बात करते हैं दुनिया में बने हुए अब तक के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े सिंक होल की। बाटागायका क्रेटर। सबसे पहले हम जिस सिंक होल के बारे में आपको बताएंगे उसका नाम बाटागायका क्रेटर। ये उस वक्त की दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा सिंक होल है जिसकी चौड़ाई हर साल 20 से 30 मीटर तक बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते बढ़ते अब तक 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा हो चुका है। ये सिंक होल साइबेरिया के मैदानी इलाकों में बना हुआ है जहाँ साल के अधिकतर वक्त बर्फ जमी रहती है, लेकिन गर्मी के वक्त जब बर्फ पिघलता है तो उस वक्त इस प्राकृतिक गड्ढे की चौड़ाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। साइबेरिया में मौजूद ये सिंक होल कब और कैसे बना इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है वहां पर दूसरे ग्रह से आए हुए किसी एलियन का स्पेस शिप आकर उतरा हो, क्योंकि उस सिंक होल की जो बनावट है वो बहुत ही अलग है और ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सच में किसी एलियन का स्पेस शिप यहाँ आकर उतरा था। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस रफ्तार से हम इंसान पेड़ पौधे और जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इससे जमीन पर मिट्टी की पकड़ ढीली होती जा रही है। मिट्टी की पकड़ लगातार ढीली होने की वजह से इस तरह के गड्ढे दुनिया के हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई नहीं रोकेंगे तो इस तरह के गड्ढे दुनिया के कई इलाकों में और भी बनेंगे। द ग्रैंडफादर सिंक होल। अब हम आपको जिस सिंक होल के बारे में बताने जा रहे हैं, ये अब तक हमारी दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक सिंक होल में से एक है, जिसकी वजह से रूस के अंदर एक पूरा का पूरा शहर एक गड्ढे में समाता जा रहा है। रूस के अंदर ब्रेजनिकी नाम का एक शहर है
जो पोटाश नाम के एक तत्व की एक खदान के ऊपर बसा हुआ है, या फिर कहें उस शहर के नीचे खदान बना हुआ है। सैकड़ों साल से उस खदान के अंदर से पोटाश नाम के इस तत्व को निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से उस शहर के नीचे का हिस्सा पूरे तरीके से खोखला हो चुका है और ये पूरा शहर उस खदान के अंदर बने कुछ पिलर और दीवारों पर टिका हुआ है। और इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि उस खदान के अंदर जो पिलर और दीवारें मौजूद है वो नमक की चट्टानों की दीवार है। अब ये तो आप जानते हैं कि नमक का संपर्क जैसे ही पानी से होता है वो तुरंत गल जाता है, और ऐसा ही हुआ है रूस में मौजूद उस शहर के नीचे खदान के अंदर। एक बार बाढ़ के वक्त जैसे ही उस खदान के अंदर पानी घुसा, वहां का हर पिलर पूरे तरीके से खराब हो गया और शहर जमीन के अंदर धंसना शुरू हो गया। शहर में मौजूद करीब 1.5 लाख से भी अधिक लोगों को उसी वक्त शहर छोड़कर भागना पड़ा। आज भी लोग अपने घर को, अपने शहर को धीरे धीरे जमीन के अंदर समाते हुए देख रहे हैं। अफसोस की बात तो है कि रूस की गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को दोबारा बसाने के लिए किसी भी तरह की हेल्प नहीं की गई। इस वक्त उस शहर में जो सबसे बड़ा सिंक होल ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसकी चौड़ाई लगभग 400 मीटर और गहराई 200 मीटर से ज्यादा है। फ्लोरिडा सिंक होल। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट को सिंक होल की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त फ्लोरिडा के अंदर इतने सिंक होल मौजूद हैं जितना पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लोरिडा शहर के नीचे लाइमस्टोन जैसी चट्टानें बहुत ज्यादा हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लोरिडा में लगातार अम्लीय वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से फ्लोरिडा की जमीन के अंदर मौजूद चट्टानें कमजोर हो रही हैं और ऊपरी दबाव की वजह से वो जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त फ्लोरिडा के अंदर हर वक्त नए नए सिंक होल बनते चले जा रहे हैं, और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, और उन सिंक होल को ढकने का गवर्नमेंट या फिर वहां के लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब फ्लोरिडा के अंदर अचानक से कोई सिंक होल बन गया और उसमें किसी का पूरा घर ही समा गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ऐसी जगह पर रहना जहां पर कब आप और आपका घर जमीन के अंदर समा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहां पर लोग किस डर के साथ रहते होंगे। सिंक होल इन चाइना। अक्सर ऐसा होता है जब सिंक होल बनने की कोई घटना होती है तो उसका कोई लाइव फुटेज मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये सब अचानक से हो जाता है और किसी को भी कोई खबर नहीं होती। लेकिन चीन में एक ऐसा ही सिंक होल बना और सड़क के किनारे मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे में ये घटना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़े हैरतअंगेज तरीके से एक सड़क पर सिंक होल बन जाता है। इसमें 20 से ज्यादा कार पूरी तरह से समा जाती है। ये घटना पिछले ही साल 19 अगस्त 2020 की है, जब बड़े डरावने तरीके से एक सड़क जमीन के अंदर घुस जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हादसे में सिर्फ और सिर्फ कारों को नुकसान हुआ, वहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। चीन के अधिकारियों का कहना है लगातार बहुत अधिक बारिश होने की वजह से इस तरह की घटना हुई। हालांकि आपका क्या सोचना है, इस तरह की घटना होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आप हमें कमेंट में बताइए। सिंक होल इन जापान। ये घटना 16 नवंबर 2016 की है, जब जापान के एक बहुत ही व्यस्त सड़क पर अचानक से एक सिंक होल बन गया। ये सिंक होल इतना चौड़ा था कि 4 लेन की एक सड़क पूरे तरीके से इसके अंदर गायब हो जाए। विशेषज्ञों का कहना था कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जमीन के अंदर की चीजों के साथ बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होना आम बात होने लगी है। लेकिन जापान में बने इस सिंक होल की सबसे अच्छी बात ये थी कि जापान ने अपनी मेहनत के दम पर महज 1 सप्ताह के अंदर ही इस रोड की मरम्मत करके इसे रीओपन कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं जापान में कितने स्पीड के साथ इस काम को किया होगा। अगर भारत जैसे देश में इस तरह की घटना हो जाती ना, तो सोचने और समझने में कई महीनों का समय लग जाता, रीओपन की तो बात छोड़ दो। तो दोस्तों, आपने देखा दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर कैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से जमीन धंसना शुरू हो गई, चाहे मेट्रो लाइन हो, अंडरग्राउंड वायर या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं सिंक होल बनने के एक कारण में से एक है। रूस में मौजूद तो एक पूरा शहर ही धीरे धीरे जमीन के अंदर समाता चला जा रहा है। और तो और, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी हर साल 25 सेंटीमीटर के दर से जमीन के अंदर गायब हो रहा है। ये वजह कि इंडोनेशिया की सरकार ने अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर सिंक होल से जुड़ी कोई भी आपकी क्वेरी है यानी सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाते रहती है।